5 अप्रैल नु मूवी आ रही है जी चल भज चलिए, ते मेरे नाल ने छोटी बहू कह दिए या फिर बिग बॉस विनर कह दिए या फिर वो झलक दिखला जा के मंच का वो एक एनवायरमेंट है जड़ा वो मंच याद कर लिए। मेरे नाल है रुबीना दलेक, मैम स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू जी। और मैंने सुना आपको वेट करना पड़ा, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी बिकॉज संडे का दिन है, आप अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर हमारे लिए इंटरव्यू करने आए हैं, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट हमारी कुछ एक मजबूरियाँ थी जिस वजह से हम समय पर नहीं पहुँच पाए, बट कमिंग बैक टू इट थैंक यू सो मच। और 5 अप्रैल को हमारी फिल्म आ रही है चल पा चलिए, और उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और उस एक्साइटमेंट में कभी कभी देर हो जाती है, तो इसलिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। देर का लड्डू मीठा भी होता है, लड्डू मीठा भी होता है, कभी कभी डायबिटीज़ भी आती है। पर हमें लगता है कि अब डायबिटीज़ होंगे क्योंकि रुबीना है। नहीं नहीं जी, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, मीठा भी इंजॉय करें और अपनी लाइफ भी अच्छे से इंजॉय करें। तो किस तरह से लेती हैं चल पा चलिए, कहाँ जाओगे भाग के? देखिए जाएंगे तो कहीं नहीं भाग कर, पर यह है कि अपने साथ थिएटर्स में लोगों को, उनके परिवार के साथ, उनके दोस्तों के साथ एक ऐसी वो बोलते हैं ना हास्य से भरी हुई फिल्म में हम उनको मतलब बजा बजा के हम उनको इतना एंटरटेन करने वाले हैं कि वो भी बोलेंगे कि यार चल पज चलिए। अच्छा रुबीना, पंजाबी मूवी है। हाँ जी, फर्स्ट पंजाबी मूवी में आप आ रहे हो, तो किस तरह का और पंजाबी कैसी है पहले ये दसो, पंजाबी कितना दी है? पंजाबी वो औखी सौखी आंदी है। हाँ जी, तो और क्योंकि अभिनव जो है वो लुधियाना थे, तो पंजाबी इन्फ्लुएंस घर पे रहा ही है, हम हिमाचल से हैं, हिमाचल और पंजाब तो मतलब वो होता है सिस्टर स्टेट्स रहे हैं, स्कूल में कॉलेजेस में फ्रेंड्स पंजाबी रहे हैं, तो पंजाब आकर ऐसा होता है कि एक अपना दूसरा घर होता है ना, वैसे हमेशा से फीलिंग रही है। लैंग्वेज मास्टर करने में थोड़ा बहुत मतलब टाइम और स्किल लगता ही है, बट ऐसा नहीं है कि एक नई लैंग्वेज है, लैंग्वेज अपनी अपनी सी है, पर उसको कैसे मतलब रोज़ वाली ज़िंदगी में बिठाया जाए और अपनाया जाए उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट वो मेहनत तो हर किसी चीज़ में हर जगह करते ही हैं। और रुबीना ने कितना इन्जॉय किया चल पा चले के शूट के दौरान, जब पंजाबी बोलते थे किस तरह से डायलॉग प्रिपेयर किए? मैंने तो जी प्रॉपर होमवर्क किया है, मेरे साथ एक स्पेसिफिक मतलब एक ड्यूटी रहती थी एडी की, जो मुझे मेरे सारे डायलॉग्स मेरे सारे सीन्स प्रिपेयर करवाते थे। मैं अपनी वैनिटी से तभी निकलती थी जब मुझे पता था कि मैं सीन में ये मेरे जो सीन है उसकी मैं रिहर्सल कर चुकी हूँ, और मुझे कम से कम 3 से 4 बार प्रॉपर फुल सीन की रिहर्सल्स की ज़रूरत पड़ती थी। और वो कहते हैं ना कि आप जब कोई चीज़ सीखते हैं तो जो बिगिनर्स माइंड सेट होता है ना कि हम नए तरीके से वापस से बेशक सब कुछ भूल भाल के हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे, उस एटीट्यूड से जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे लिए बड़ा ही आसान हो गया। और लोग बहुत ही यहाँ पर यू नो बड़े दिल के हैं, लोग बड़े अच्छे भावना से ना आपका स्वागत करते हैं, एक वो नहीं हेजिटेशन नहीं रखते कि तुम तो भाई बाहर से आए हो या तुम हमारी इंडस्ट्री से नहीं हो, वैसे वाला भाव बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे माहौल में ना सब कुछ अच्छे से ढल गया और हम फिल्म कंप्लीट कर पाए, और ऊपर वाले की मेहर से अब हम रिलीज़ पे भी आ गए हैं। मतलब रुबीना को देखने का पंजाब में भी लोगों के अंदर इतना क्रेज़ है, क्योंकि भाई छोटी बहू से आपने जो एक जगह बनाई हुई है सबके दिलों में, और अपने अपने काम के अपनी एक्टिंग के दम पर जो आपने जगह बनाई है, तो आपको देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि पंजाबी मूवी में रुबीना का आना? धन्यवाद जी। देखिए जब लोग आपको अपनाते हैं उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है, और कलाकार के लिए उसकी ऑडियंस सबसे बड़ी मतलब भगवान का रूप है, और अगर भगवान खुद कह दे कि हम आपका इंतज़ार कर रहे थे तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है? और बॉलीवुड में किस तरह से उस साइड किस तरह का रिस्पॉन्स है आपका इस इंडस्ट्री में जब आप आएँ? देखिए मेरा ऐसा मानना है एक कलाकार के लिए कोई भी मंच बड़ा छोटा या फिर कोई भी मीडियम के टेलीविज़न अलग है, पंजाबी इंडस्ट्री अलग है या बॉलीवुड अलग है, वैसा नहीं रहता। मैं एक कलाकार हूँ, मुझे जहाँ जो मंच आप देंगे ना मैं अपनी पूरी जी जान से शिद्दत से अपना काम करूँगी, और मेरे लिए हमेशा से ये रहा है, फिर चाहे टेलीविज़न में मेरे सीरियल्स क्यों ना हो, रियलिटी शोज़ क्यों ना हो, फिर मेरी फिल्म अर्थ थी हमने उस पर भी बहुत मेहनत से काम किया, अब जब पंजाबी इंडस्ट्री में हम यहाँ आए हैं तो हम पंजाबी फिल्म्स की तरफ भी उतनी मेहनत और उतनी लगन से काम कर रहे हैं, तो वो मेहनत और लगन का जो एक यू नो भाव है वो हमेशा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके पास वो बिगनर्स माइंड सेट होगा ना कि आप जो भी काम करेंगे उसी लगन से काम करेंगे, बेशक आपको कहीं से भी शुरू करना पड़े।
रुबीना कहीं से तंज भी आता है क्योंकि वो राखी वाला मैं भूल नहीं सकती, जैसे मतलब उसके लिए क्या कहो? पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बोलिए, शो बोलिए, वो रहता ही है और ज़रूरी भी है। ज़िंदगी हमेशा मिठास से भरी नहीं रहती है, खट्टी मीठी नमकीन कड़वी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है, तो वो वैसा फेज था। मुझे लगता है वो फेज़ आपको कॉन्फिडेंट भी और बना देता है। डेफिनेटली बनाता है, क्योंकि आप जब नए नए स्वाद जीवन में चखते हैं तो आपको नया एक्सपीरियंस जब मिलता है तो वो एक्सपीरियंस से आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आप और ज़्यादा लायक बन जाते हैं। तो उनके लिए कुछ कहेंगे? वो हमेशा से देखिए, इस इंडस्ट्री में राखी जो हैं बहुत समय से हैं और उन्हें अपना काम बेहतरीन आता है, तो आई हैव ऑलवेज विश्ड गुड फॉर हर एंड शी इज़ ऑलवेज डन द बेस्ट फॉर हर सेल्फ, और वो हमेशा जानती है कि उनके लिए क्या अच्छा है। तो अभी इंदर भी है मूवी के अंदर और साथ में अलीशा भी हैं, उनके साथ किस तरह की रहा आपका? इंदर और अलीशा बहुत ही अच्छे, मतलब वो बोलते हैं ना दिल के बहुत ही अच्छे लोग, तो उनके साथ काम करने में ना ऐसा लगा नहीं कि मैं नए लोगों के साथ काम कर रही हूँ। इंदर को तो मैं पहले से जानती हूँ क्योंकि हमने एक म्यूज़िक वीडियो साथ में किया था, और इस फिल्म के लिए भी सबसे पहले मुझे इंदर ने अप्रोच किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि आप रुबीना पंजाबी फिल्म करना चाहेंगे, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और हमें लगता है कि आप जो है इस कैरेक्टर में बहुत अच्छी बैठेंगी। मैंने कहा डेफिनेटली करते हैं, और इंदर बहुत ही टैलेंटेड सिंगर भी है, तो उन्होंने हमारी फिल्म में गाने भी गाए हैं और बहुत ही अच्छी सुरीली आवाज़ है उनकी। और अलीशा उनका डेब्यू है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब गिवन द फैक्ट कि पहली फिल्म है, पहली बार वो इतने बड़े यू नो स्क्रीन पर आएंगी, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, तो दोनों के साथ काम करने में मज़ा बहुत आया है। एंड दे हैव नॉट मेड मी फील कि हम अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग हमारी क्या बोलते हैं उसको यू नो इंडस्ट्री को देखने का नज़रिया है। सो ऑल जब हम तीनों साथ में मिलकर हमने काम किया है तो एक होता है ना एक साथ काम करने की जो भावना होती है उस हिसाब से किया है, तो आई थिंक वो आपको दिखेगा, फिल्म में भी दिखेगा। रुबीना तो फटाफट से ऑडियंस को बोल दीजिए क्योंकि 5 अप्रैल का हमें बहुत इंतज़ार है, क्योंकि रुबीना को देखने वाले। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 5 अप्रैल को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जाइए, हमारी फिल्म चल पद चलिए देखिए, और हमें बहुत इंतज़ार रहेगा आपके रिस्पॉन्स का, और आप अपने रिस्पॉन्सेज जो है हमें अपने हमारे सोशल मीडिया पर हमें टैग कीजिएगा, एंड वी आर गोइंग टू सी कि आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है, और मतलब इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जाकर कमेंट्स कीजिए, जाकर हमें बताइए कि आपको कैसा लगा है, और हम आपको वहां पर रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी वांट टू कनेक्ट विद यू। 5 तारीख को देखना ना भूलियो, फिल्म दाना है चल पज चलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, गुड लक मैम।